गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। बड़ी खबर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से। आप लोग देखिए कि किस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड्स करती आ रही है ECIR के तहत, जो कि CBI द्वारा की गई FIR के बेसिस पर की गई थी। दो जने PA और PS को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कस्टडी में ले लिया। डिस्क्लोजर्स हो चुके हैं ऑलरेडी अनिल देशमुख के अगेंस्ट में, लेकिन वहीं सचिन वाजे से स्टेटमेंट भी दर्ज करा लिया गया है। 3 दिन की मोहलत कोर्ट से मिली थी और सचिन वाजे का स्टेटमेंट दर्ज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ परमबीर सिंह नहीं पहुंचेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने स्टेटमेंट दर्ज कराने की मांग की है, लेकिन परमबीर सिंह नहीं पहुंचेंगे, ये खबर आ रही है, सोर्सेस का कहना है, और उसी के चलते आप लोगों के साथ इस ब्रेकिंग न्यूज़ को शेयर कर रहा हूं। आप लोग देखिए कि किस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर CBI की FIR और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ECIR, दो जने PA और PS एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में, सचिन वाजे तलोजा जेल में, और अनिल देशमुख 3 बार ऑलरेडी ED का समन अवॉइड कर चुके हैं। साइमल्टेनियसली ऋषिकेश देशमुख भी 1 बार अवॉइड कर चुके हैं। अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह अब क्यों अवॉइड कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। फिलहाल बड़ी खबर है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।